नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ की कई लोकेशंस पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी का एक दर्जन से ज्यादा लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप से जुड़े मामले को लेकर यह छापामार कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐप का संचालन करने वाले कई आरोपियों का दुबई से कनेक्शन भी निकलकर सामने आया था। महादेव ऐप का कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है और उसी के चलते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्यों में ये जाल फैले होने की सूचना और इसी तरह से कार्रवाई का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से बड़ी जानकारी, महादेव ऐप के खिलाफ और उनके संचालकों के खिलाफ जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ता हुआ, सख्ती बरतते हुए प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से छापामार कार्रवाई की गई है और अन्य राज्यों में भी इसी तरह की स्थिति, अलग अलग लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां भिलाई के फरीद नगर में ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। कारोबारी मोहम्मद सद्दाम उर्फ बच्चा खान के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कारोबारी के घर पर सुबह से ही ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। टीम में चार अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। फिलहाल इसे लेकर यह जानकारी, एक लोकेशन को लेकर भिलाई में भी स्थिति संदिग्ध पाई गई और इसी के चलते ईडी की टीम यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। कारोबारी मोहम्मद सद्दाम नाम सामने आया है और बच्चा खान, इनके घर पर सर्च ऑपरेशन लगातार टीम दबिश देती हुई अधिकारियों की तरफ से दस्तावेज मंगाने की कोशिश। दुर्ग से बड़ी जानकारी है और छत्तीसगढ़ के अलग अलग लोकेशंस पर किस तरह से कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है ये हम समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाए इस छापामार कार्रवाई को लेकर, क्योंकि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी यही सिलसिला है। देखिए, छत्तीसगढ़ के 12 से अधिक ठिकानों पर जो ईडी की सर्चिंग कार्रवाई है जारी है, जिसमें दुर्ग है, कोरबा है, रायपुर है, रायगढ़ है और ये तमाम जगहों पर जो ईडी की टीम है अलग अलग कार्रवाई कर रही है। बड़ी बात यही है कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर के ये पहली बड़ी कार्रवाई है जब ईडी है सर्चिंग अभियान चला रही। इससे पहले भी जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है तो आरोपियों ने गिरफ्तारी के दौरान जब उन्हें रिमांड पर लेकर के पुलिस पूछताछ की तो कई अहम मामले का खुलासा हुआ था और जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर के जो इंटरनेशनल कनेक्शन है वो सामने आए थे। रायपुर पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था बाकायदा आरोपियों के लिए और चूंकि ये आरोपी जो सट्टा ऐप का संचालन है वो इंटरनेशनल स्तर पर करते हैं, ऐसे में आरोपियों की धरपकड़ पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रही है और करोड़ों के टर्नओवर का ये पूरा मामला है। ये भी जा रहा है कि लगभग 4,000 करोड़ से अधिक का ये पूरा टर्नओवर है, तो ऐसे में एक बड़ी जो आर्थिक अपराध का ये पूरा मामला है। साथ ही साथ ऑनलाइन सट्टा का जो संचालन किया जा रहा है, तो ऐसे में अब जो केंद्रीय जांच एजेंसी है ईडी है वो अलग अलग ठिकानों पर सर्चिंग की कार्रवाई कर रही है। अब पूरे मामले का खुलासा जब ईडी करेगी उसके बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर पुलिस जो ईडी है वो दस्तावेज है वो खंगाल रही है। जी ठीक है, जांच लगातार चल रही है, लेकिन युगल अगर महादेव सट्टा ऐप की अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के लिहाज से इस तरह की कार्रवाई होना कोई नई बात नहीं है। लगातार लंबे समय से कई लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्या वजह है कि अभी तक पूरी तरह से प्रतिबंध छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया? जी देखिए, ऑनलाइन सट्टा आजकल एक ऐसा शौक बन गया है, लोग हैं, युवा हैं, बड़ी संख्या में इसकी जो है लत में आ रहे हैं और जो है करोड़ों का टर्नओवर इस पर होता है। कई ऐसे लोग हैं जिसे जालसाजी में लोग फंसा लेते हैं, उनके बैंक अकाउंट है उसका उपयोग करते हैं, उसमें छात्र भी हैं, गृहिणियाँ भी हैं, पुलिस के जाँच में अहम खुलासे हुए हैं और ये महादेव सट्टा ऐप को लेकर के ईडी की एक बड़ी कार्रवाई है, बड़ी सर्चिंग कार्रवाई इसे कह सकते हैं। और जब ईडी पूरे मामले की खुलासा करेगी तभी पता चल पाएगा। ईडी की कार्रवाई अभी फिलहाल जारी है,
देखना होगा कि ईडी पूरे मामले का जो खुलासा है वो कब करती है। जो लोग पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उनके कई नाम हैं, वो आए हैं, ये भी बताया जा रहा है कि इसका संचालन जो है विदेशों में बैठकर किया जाता है। यहाँ से युवा हैं उन्हें बाकायदा दुबई भेजा जाता है, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, फिर अलग अलग जो सट्टा है उसका संचालन ये करते हैं। एक बड़ा रैकेट है। जब ईडी की पूरी कार्रवाई जब सामने आएगी उसके बाद ही फिलहाल खुलासा हो पाएगा। जी ठीक है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। युगल आप बने रहेगा हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली बड़ी खबर है जहां बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। रायपुर पहुंचे कई राज्यों के बीजेपी विधायक, जिस तरह से सिलसिला मध्य प्रदेश में भी आपने देखा, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की स्थिति है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अलग अलग बीजेपी विधायकों को लगाया गया है। 90 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे राज्यों के एमएलए जाने वाले हैं बीजेपी के। हर विधानसभा क्षेत्र में 4-4 दिन तक बीजेपी विधायक रुकेंगे और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी का पैटर्न रहा, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी यही सिलसिला। अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो अन्य राज्यों के बीजेपी एमएलए को बुलाया जाता है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी 90 सीटों के लिए फोकस करते हुए अलग अलग एमएलए बुलाए गए। सही, युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझ लेते हैं आगे की क्या स्थिति रहेगी। ये बात जानकारी कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि 90 विधायक युगल पहुंच चुके हैं, आने वाले समय में क्या रणनीति बीजेपी तरफ से स्पष्ट की गई है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। जीत के लिए पूरी ताकत उसने अपनी झोंक दी है। अलग अलग राज्यों के 90 विधायक यहां पर आ पहुंचेंगे, उसके बाद उन्हें अलग अलग जो 90 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भेजा जाएगा और जो है बीजेपी के प्रति कैसा उनका माहौल है वो फीडबैक लेंगे, साथ ही साथ जो प्रत्याशी है उनकी क्या है और इसका रिपोर्ट भी ऊपर देंगे। और 4 दिनों तक जो बीजेपी के विधायक है रुकेंगे, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को पूरी जानकारी है, फीडबैक है और किस तरह के माहौल है, क्या बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से लोगों की अपेक्षाएं हैं बीजेपी से और किस तरह से केंद्र सरकार की योजना उन तक पहुंच पा रही है नहीं, तमाम चीज़ों का फीडबैक लेंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट है ऊपर केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा, उस लिहाज से फिर एक रणनीति बीजेपी तय करेगी। और जिस तरह से ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब 90 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों के जो विधायक है वो यहाँ पर आएंगे, 4 दिन तक रुकेंगे, नब्ज टटोलेंगे, तो ये अलग तरह की स्ट्रेटेजी बीजेपी है वो तैयार कर रही है। और ये बात तो तय है कि 2023 के विधानसभा चुनाव बीजेपी बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। और जिस तरह के यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है यहाँ पर पूरी कमान संभाले हुए हैं, लगातार दौरा करते हैं, फीडबैक लेते हैं, अपने जो विधायक हैं यहाँ के जो बीजेपी के जो प्रमुख दिग्गज हैं उन्हें दिशा निर्देश देते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत अभी बीजेपी झोंकी है और उसी स्ट्रेटेजी के तहत अभी जो है विधायक यहाँ पर आए हुए हैं और वो विधानसभा क्षेत्रों पर जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको इस जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सिंचाई विभाग के इंजीनियर के ट्रांसफर को लेकर संसदीय सचिव यूडी मिंज की तरफ से लिखे गए पत्र पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। पत्र में जशपुर के सर्वेश्वरी आश्रम के जिक्र को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और आश्रम की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। ये वो पत्र है जिसने चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। दरअसल ये पत्र संसदीय सचिव और जशपुर जिले के कुनकुरी से विधायक यूडी मिंज ने लिखा है। उन्होंने ये पत्र कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को लिखा था, जिसमें सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर के ट्रांसफर की सिफारिश की गई है। मिंज ने पत्र में लिखा है कि सर्वेश्वरी आश्रम के दबाव में इंजीनियर को जशपुर में तैनात किया गया था और आश्रम की छत्र छाया की वजह से इंजीनियर मनमानी करता है। मिंज के इस पत्र पर हिंदू संगठन नाराजगी जता रहे हैं। यहाँ का तथाकथित एमएलए जिसका यूडी मिंज कहते हैं, उसका धिक्कार करता हूँ मैं तो, उनको शर्म आना चाहिए। हिंदुत्व की बात करके, राजनीति करके और लोगों को बेवकूफ बनाना और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों हिंदुओं को सोगड़ा के नाम पर चोट पहुंचाने का काम करना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। यूडी मिंज के पत्र को लेकर सिर्फ आश्रम और हिंदू संगठन नाराज नहीं है,
बीजेपी ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई है और इस मुद्दे पर जशपुर में धरना प्रदर्शन और विरोध का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जनजातीय सुरक्षा मंच और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और यूडी मिंज का पुतला फूंका। चुनावी साल में बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की पुरजोर तैयारी में जुटी हुई है। आखिरकार विधायक ने अपना रंग दिखा ही दिया। जिस तरह से एक जल संसाधन विभाग के जो जिला के अधिकारी को ट्रांसफर करने का बात उस चिट्ठी में लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदुओं की आस्था सोगड़ा आश्रम जशपुर वासियों की ही नहीं पूरे देश की आस्था है। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उस संस्था को बदनाम करने के लिए विधायक जी ने चिट्ठी लिखते हैं एक छोटा सा अधिकारी के लिए और चिन्हांकित करके बोलते हैं कि ये सोगड़ा आश्रम से संबंधित है, आना जाना करता है, काफी अच्छा ज्यादा लगाव है, ये दर्शा करके चिट्ठी लिखने का अगर काम करते हैं तो आज विधायक जी अपना विचार को व्यक्त कर दिए, अपना असली रूप को दिखा लिए। एक तरफ से हिंदुओं का चोला ओढ़कर दिखावा करने का कोशिश करते हैं, आज उनका मन की बात जुबान से निकल आया है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर इसे हिंदुत्व और सनातन संस्कृति का अपमान बताया है। साय ने लिखा है कि सर्वेश्वरी समूह आश्रम से देश भर के लाखों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। कुनकुरी विधायक यूडी मिंज ने हमारी आस्था के केंद्र सर्वेश्वरी समूह आश्रम पर झूठा आरोप लगाकर लाखों हिंदुओं की आस्था पर गहरा प्रहार किया है। खैर, चुनावी सनातनी क्या जाने हिंदुत्व और सनातन, कि जितना तिलक चुनरी और कलावा का छलावा कर ले, आने वाले विधानसभा चुनाव में कुनकुरी की जनता ऐसे नकली सनातनी को मुंहतोड़ जवाब देकर क्षेत्र का शुद्धिकरण अवश्य करेगी। कुल मिलाकर चुनावी साल में सर्वेश्वरी आश्रम विवाद को बीजेपी भुनाने की पुरजोर तैयारी में जुटी है, जिससे निपटना सोगड़ा आश्रम में आस्था रखने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के लिए बड़ी चुनौती होगी। दीपक सिंह, न्यूज 18, जशपुर, छत्तीसगढ़। राजनांदगांव से अगली बड़ी खबर, जहां विधायक छन्नी साहू पर चाकू से हमला हुआ, विधायक के हाथ में गंभीर चोट आई है। कार्यक्रम के दौरान यह घटना हुई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले की जांच भी लगातार की जा रही है। कुंजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक है छन्नी साहू, टोवर गांव थाना के चिल्हाटी जोंधरा गांव पर पहुंची थी और यहां पर उनके ऊपर हमला। कुंजी विधायक पर हमले की जानकारी सामने आई है, हाथ में उन्हें चोट लगी है, हालांकि आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। और कुछ विधायक छन्नी साहू पर चाकू से हमले को लेकर राजनीति भी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, ट्वीट कर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। लिखा है कि कांग्रेस सरकार में अराजकता और अपराध का हाल देखिए, अब तो जनता के चुने जनप्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं है। सत्ता पक्ष के विधायक पर ही जानलेवा हमला हो रहा है, ये प्रदेश सरकार का फेलियर है। तो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ विधायक पर हमले के बाद राजनीति भी लगातार गर्माती है। और बीजेपी विधायक रंजना साहू की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को सुरक्षा देने में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। महिला एमएलए सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का क्या होगा, पूरे प्रदेश में भय और दहशत का माहौल है। शराबबंदी करना सरकार के प्रमुख वादों में से एक था। प्रदेश में छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, पूरे प्रदेश में डर और भय का वातावरण बना हुआ है। महिलाएं घर से निकलने के लिए डरती हैं, घर से निकलने के लिए हिचकिचा रही हैं। खुज्जी विधानसभा की महिला विधायक श्रीमती छन्नी साहू जी जो अपने एक कार्यक्रम में थी, उस दौरान एक व्यक्ति ने शराब पीकर चाकू से उस महिला विधायक पर हमला किया। जिस प्रदेश की महिला विधायक सुरक्षित नहीं है, यहाँ की आम महिलाएं कैसे अपने आप को सुरक्षित माने, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस प्रदेश की सरकार पर है कि आम महिलाएं कहाँ सुरक्षित है।
माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बड़ी बड़ी बातें करते थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, इस सरकार की प्राथमिकता भी महिलाएं थी, लेकिन अब क्या हुआ, डर और भय का वातावरण है। शराबबंदी को लेकर इस सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की, क्या हुआ शराबबंदी का, सरकार ने कसमें खाई, संकल्प लिया कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन अभी तक शराबबंदी नहीं हुई और उसका परिणाम यह हुआ कि महिलाओं पर चाकू से हमले हो रहे हैं। इस सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारी यह सरकार नहीं उठा पा रही है। और इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश सरकार को जमकर घेरा है। आप प्रवक्ता सूरज उपाध्याय का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से संभल नहीं रही है कानून व्यवस्था, युवाओं को नौकरी देने के बजाय नशे की ओर धकेला जा रहा है और इसलिए ही प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। खुज्जी विधायक छन्नूलाल साहू जी के ऊपर नशे में धुत व्यक्ति ने कातिलाना हमला किया, हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़, आप चारों तरफ देखेंगे कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार से नहीं संभलती है। इन्होंने ये बोला कि शराबबंदी करेंगे या क्रमबद्ध तरीके से हम नशे को दूर करेंगे, लेकिन यहाँ के युवाओं को नौकरी देने की बजाय नशे की ओर धकेल दिया गया, जिसके कारण अपराध बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता अपराध और नशे दोनों से त्रस्त है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बीजापुर की, जहां फरसेगढ़ इलाके में 12 ग्रामीणों को नक्सलियों ने अगवा कर लिया है। रविवार शाम को नक्सलियों ने ग्रामीणों को अगवा किया। चिकटराज पहाड़ पर पूजा अर्चना के लिए ग्रामीण पहुंचे थे, उसके बाद पूर्व सरपंच महेश कुमार गोटा को अपने साथ रखा और बाकी ग्रामीणों को जाने दिया गया। महेश गोटा अभी भी नक्सलियों के कब्जे में, ऐसी भी जानकारी। परिजनों ने रिहाई की अपील भी की है, लेकिन मामले की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फरसेगढ़ थाना इलाके की पूरी घटना है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां अब प्लेसमेंट कर्मचारी भी आंदोलन की राह पर हैं। 24 से 26 अगस्त तक हड़ताल करेंगे प्लेसमेंट कर्मचारी। इधर निकाय के 25,000 प्लेसमेंट कर्मचारी हड़ताल करने वाले हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल होगी, संविलियन और नियमितीकरण प्रमुख मांगे हैं। नवा रायपुर के तूता तंड स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन किया जाएगा। और बात करेंगे अंबिकापुर की, सरगुजा जिले में डेंगू की दस्तक एक बार फिर से देखने को मिल रही है। जांच में 3 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप की स्थिति। कई मरीजों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई लोगों का इलाज भी चल रहा है। इससे पहले भी मामले सामने आए थे, कहीं ब्रेक लगा और अब एक बार फिर से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। और सावन के 7वें सोमवार को राजधानी रायपुर के मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रसिद्ध हटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भी लोग भारी भीड़ के साथ उमड़ रहे हैं। खास बात यह भी है कि करीब 24 सालों बाद शुभ नामक योग चित्रा नक्षत्र में सोमवार आया है और इस दुर्लभ संयोग पर भक्त भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। भोले को दूध दही धतूरा चढ़ाकर आशीर्वाद लिया जा रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।